1984 में आज के दिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उपजे तनाव के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दो सिख अंगरक्षकों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों को निशाना बनाया गया। हिंसक झड़पों में कई बेगुनाह सिख मारे गए और उनके घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया और सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया। इंदिरा गांधी 16 साल देश की प्रधानमंत्री रहीं और उनके शासनकाल में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन साल 1975 में आपातकाल लागू करने के फैसले को लेकर इंदिरा को भारी विरोध प्रदर्शन और तीखी आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी भारत के छठवें प्रधानमंत्री बने। 19 नवंबर 1917 को पैदा हुई इंदिरा गांधी ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान दिलाई। मजबूत संकल्प वाली और किसी भी तरह की परिस्थिति से जूझने और जीतने की क्षमता रखने वाली इंदिरा गांधी ने न केवल इतिहास में खास जगह बनाई बल्कि पाकिस्तान को विभाजित करवाकर दक्षिण एशिया का भूगोल ही बदल डाला। 1875 में आज एक दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। पटेल प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। वे सरदार पटेल के उपनाम से प्रसिद्ध हैं। सरदार पटेल भारतीय बैरिस्टर और प्रसिद्ध राजनेता थे। भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं में से वो एक थे। 1947 में भारत की आजादी के बाद पहले 3 वर्ष वे उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद करीब 600 से भी ज्यादा देसी रियासतों का एकीकरण एक सबसे बड़ी समस्या थी। कुशल कूटनीति और जरूरत पड़ने पर सैन्य हस्तक्षेप के जरिए सरदार पटेल ने उन अधिकांश रियासतों को तिरंगे के तले लाने में सफलता प्राप्त की। इसी उपलब्धि के चलते उन्हें लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1991 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। और 30 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। 1975 में आज ही के दिन मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन का निधन हुआ था। एस डी बर्मन के गीतों ने हर किसी के दिल में अमिट छाप छोड़ी है। उनके गीतों में विविधता थी। उनके संगीत में लोक गीत की धुन झलकती थी, वही शास्त्रीय संगीत का स्पर्श भी था। बर्मन ने अपना करियर 1930 के दशक में कलकत्ता में संगीत निर्देशक के रूप में शुरू किया। एक गायक के रूप में उनकी पहली रिकॉर्डिंग बंगाल के क्रांतिकारी संगीतज्ञ कवि काजल नजरुल इस्लाम की एक रचना थी। इसके बाद वर्षों तक दोनों का साथ बना रहा। 1944 में बर्मन मुंबई आ गए और फिल्मों के लिए संगीत देने की कोशिश में जुड़ गए। उनकी पहली हिट फिल्म मशाल थी और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बर्मन ने अपना अधिकतर कार्य देवानंद की नवकेतन फिल्म्स के साथ किया, जिसमें टैक्सी ड्राइवर, फंटूश, गाइड, पेंग गेस्ट, ज्वेल थीफ और प्रेम पुजारी शामिल हैं। बर्मन ने गुरुदत्त की फिल्मों बाजी, जाल, प्यासा, कागज के फूल के लिए भी सुरीला संगीत दिया। सचिन देव बर्मन को 6 बार फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के खिताब से नवाजा गया। और 2005 में प्रसिद्ध कवित्री, उपन्यासकार और निबंधकार अमृता प्रीतम का निधन हुआ था। अमृता को 20वीं सदी की पंजाबी भाषा की सर्वश्रेष्ठ कवित्री माना जाता है। इनकी लोकप्रियता सीमा पार पाकिस्तान में भी बरकरार है। इन्होंने पंजाबी साहित्य जगत में 6 दशकों तक राज किया। अमृता प्रीतम ने लगभग 100 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें उनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट भी शामिल है। अमृता प्रीतम उन साहित्यकारों में थी जिनकी कृतियों का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। इनकी रचनाओं में महिला पात्रों की पीड़ा और वैवाहिक जीवन के कटु अनुभवों का एहसास को महसूस किया जा सकता है। भारत पाक विभाजन की पीड़ा को लेकर इनके उपन्यास पिंजर पर एक फिल्म भी बनी थी, जो अच्छी खासी चर्चा में रही। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पहले ही अलंकृत किया गया। अपने अंतिम दिनों में अमृता प्रीतम को भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ।